हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आप बीएड के अंदर जो आप आंसर लिखते हो वो आपने कैसे लिखने हैं, और जो आप क्वेश्चन लिखोगे उसके अंदर आपने कितने पेज को फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आप एग्ज़ाम के अंदर आंसर लिखोगे वो आपको कितने पेज के अंदर फिल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सभी को पता है कि जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन दी है उसके अंदर आपने सिर्फ 40 पेज ही अपलोड करने हैं, यानी मैक्सिमम आप 40 पेज वहाँ पर ले सकते हो, उससे ज़्यादा वहाँ पर आप नहीं ले सकते। यानी आपके पास लिमिट कितनी है, 40 पेज की, यानी 40 पेज आपके पास सीट के होंगे। दूसरा, ये भी आप लोगों को पता है कि जो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम का पैटर्न रखा है वो क्या है, यानी आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो है एनी 5 क्वेश्चन का, यानी आपके टोटल 5 क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट होंगे। अब आपने इसमें डिवाइड कैसे करना है कि हमारे पास सीट के पेज हैं 40 और क्वेश्चन करने हैं हमने 5, यानी 16 मार्क्स के क्वेश्चन जो 5 होंगे वो अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको तो हमारा जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका एक क्वेश्चन 8 पेज के अंदर कवर हो जाएगा, और 8 पेज में अगर एक क्वेश्चन होगा तो 5 क्वेश्चन हमारे 40 पेज में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो आपने पहले ही सोच के चलना है कि मुझे 8 पेज के अंदर जो है कवर करना है। जो आप आंसर शीट निकलवाओगे वो A4 साइज़ की होगी। अब मैं बता दूं कि जैसे ऑफलाइन जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम के अंदर जो आपकी आंसर शीट होती थी वो 36 पेज की होती थी। क्या पता अब भी आपको आंसर शीट जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम में 36 पेज ही मिले, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो आपकी ऑफलाइन एग्जाम के अंदर आंसर शीट आएगी वो थोड़ी सी बड़ी होती है बजाय इनके जो आपको 40 पेज मिल रहे हैं, क्योंकि ये आपके A4 साइज के होते हैं और वो थोड़ी सी इनसे बड़ी होती है, तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से कवर हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या करना है, जैसे आपके ऑफलाइन एग्जाम के अंदर 36 पेज होंगे उसमें क्या करना है आपने, जैसे आपके 5 क्वेश्चन होंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है 7 पेज के अंदर अटेम्प्ट हो जाएगा, यानी 7 पेज उसके अंदर फिल करने हैं आपको, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 पेज मिलेंगे। तो ये इस तरह से आपने इनको डिवाइड कर लेना है। दूसरा, एक बात और बता दूं कि अगर आपको ऑफलाइन एग्जाम के अंदर भी 40 पेज ही मिलते हैं तो आप इसको 8 पेज में ही फिल करोगे, यानी वहाँ पर भी आप 8 पेज फिर फिल कर देना। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे आपको आंसर शीट 10-15 मिनट पहले दे दी जाती है, तो आपने सबसे पहले पेज काउंट कर लेने हैं कि कितने पेज हैं, उनके ऊपर पेज नंबर लिख लेना है। उसका फ़ायदा एक ये होगा कि अगर आपकी आंसर शीट के पेज जो है 36 है तो आप अपने माइंड को सेट कर सकते हो कि मुझे एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 7 पेज ही फिल करने हैं। अगर आपके जो पेज हैं वो 40 हैं तो उस हिसाब से आप ये अपने माइंड को सेट कर लोगे कि मुझे एक जो आंसर है वो 8 पेज में कवर करना है। तो जब आप दूसरा, जब आप उनके ऊपर पेज नंबर लिख दोगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपका ये भी माइंड में आ जाएगा कि मेरा 8 पेज तक एक आंसर वो है कवर होना चाहिए, एक क्वेश्चन का आंसर। तो जब आपको वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका ऊपर लिखा हुआ होगा कि 8 पेज आ गया तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इससे क्या है, आप इस तरह से इजीली अपनी आंसर शीट को इस तरह से डिवाइड करके क्वेश्चनों को लिख सकते हो। अब बात एक और यहाँ पर आती है कि जो हम आंसर शीट भर रहे हैं, क्या सिर्फ आंसर शीट भरने से ही हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ अगर आंसर शीट भरने से ही मार्क्स मिल जाते तो कोई भी स्टूडेंट जो है वहाँ पर कुछ भी लिख के आ जाता और उसको जो आंसर मिल जाता, सॉरी उसको मार्क्स वहाँ पर अच्छे मिल जाते। तो इससे क्या, एक ये अपने माइंड के अंदर ये बात ध्यान रखना कि अगर आप जो आंसर लिख रहे हो वो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए आपको, तभी जो एग्जामिनर क्या है आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तब अब ये बात और निकल के आते कि जो हम डाटा लिख रहे हैं वो ऑथेंटिक होगा, और वो हम लिखे कैसे, यानी उसको हम अरेंज कैसे करेंगे। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है और सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देकर बता दूं कि मान लो आपका टॉपिक है लर्निंग का, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, उसका मीनिंग पता हो। दूसरा, उसकी आपको डेफिनेशन आती हो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है, एग्जामिनर को भी ये लगता है कि आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ रखा है, उसको समझ रखा है। तो कम से कम आप वहां पर 2 डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन लिखने के बाद उसके बाद अपने व्यू देना भी वहाँ पर ज़रूरी होता है। आपने 2 डेफिनेशन लिख दी, फिर नीचे आप क्या लिखोगे कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि,
जैसे अधिगम क्या होगा कि एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, यानी हमारी एज के साथ भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ये आपने अपने व्यू में लिखना है, मैं ये नहीं बोली ये मेरा व्यू है कि अधिगम क्या होता है, आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिखोगे कि अधिगम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वर्डिंग लिखोगे तो एग्जामिनर इससे क्या होता है, इंप्रेस होता है कि आपकी जो समझ है या अंडरस्टैंडिंग है, आप उसका जो कंसेप्ट को समझा है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को लिख रहे हो। फिर ये चीज़ लिखने के बाद मान लो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि अगर वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे लर्निंग के करैक्टरिस्टिक्स लिखो, अगर वहाँ पर ये चीज़ मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपने जो करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं वो लिखने हैं हेडिंग में। जैसे एक हेडिंग लिख दी और उसको अंडरलाइन कर दिया, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से उसको लिखा जाता है। अगर मान लो आपके जो क्वेश्चन के अंदर वहाँ पर ये नहीं दे रखा कि करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं या नहीं लिखने, तो अगर वहाँ पर यह है कि नहीं लिखने, मतलब ऐसा कुछ होता है कि जैसे सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि अधिगम क्या होता है या फिर इस थ्योरी के बारे में बताओ, तो इस तरह से क्या है कि आप वहाँ पर आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि यहाँ पर नहीं लिख रखा कि करैक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो आप क्या करोगे कि आपने उसके तीन या चार आपने वहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स लिख देने हैं, और लिखने भी कैसे हैं, सिंपल एक लाइन के अंदर, वहाँ पर अंडरलाइन नहीं करना, मतलब एक सिर्फ एक लाइन वहाँ पर लिख देनी है कि अधिगम क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सिंपल। इसको डिफाइन नहीं करना है, ना ये आपकी हेडिंग होगी, सिंपल एक लाइन में इसको लिख देना है। इस तरह से आप तीन चार पॉइंट करैक्टरिस्टिक्स के ऐड कर दोगे। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ एक मिनट भी नहीं लगती मुझे लगता है, अगर हम तीन चार इस तरह से लिखेंगे, आपकी स्पीड लिखने की अच्छी है तो। लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बच्चे ने जो पढ़ा है उसको वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, या उसका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद ये चीज़ तो थी, शुरू में हम क्या लिखें कि क्वेश्चन का हम किस तरह से शुरुआत करें ताकि जो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े, वो हमें अच्छे मार्क्स दे दे। उसके बाद आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि उसमें क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ क्या रखा है। अब जैसे मान लो हमें लर्निंग तो लिख दी कि क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिख दी, पहले मीनिंग बता दिया, डेफिनेशन के बाद अपने व्यूज़ बता दिए, फिर करैक्टरिस्टिक्स लिख दिया, फिर उसके बाद देखो कि वो पूछना क्या चाह रहा है, जैसे उसके टाइप्स पूछ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, या प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फिर आप उस टॉपिक के ऊपर आओ, फिर आप वहाँ पर वो चीज़ें लिखनी स्टार्ट करो। अब जैसे मान लो उसने प्रिंसिपल पूछ लिए, तो आप प्रिंसिपल लिख के उसकी जो मेन हेडिंग है उसको अंडरलाइन करोगे और वहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे अच्छे से। अब ये कई चीज़ें होती हैं जो आपकी पूरे 8 पेज के अंदर जो है कवर हो जाती है, तो इस तरह से। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, कई बार जैसे किसी क्वेश्चन का एजुकेशन इम्प्लीकेशन होता है कि शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा, जैसे हमारी मोस्टली थ्योरियाँ हैं, थ्योरियों के अंदर हमें ये जरूरी लिखना होता है कि इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, यानी इसका शिक्षा के अंदर महत्व क्या है, या इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, वो हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे लिखोगे कई बार तो क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर डाल देता है कि इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी लिखो, कई बार नहीं डालता, अगर नहीं भी डालता तो थ्योरी वगैरह जो होती है उनका आपने एजुकेशन इम्प्लीकेशन ज़रूर लिखना है, ये भी आपके क्वेश्चन को जो अच्छा बनाते हैं और आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे, पेपर दोगे, तो वो क्या है, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा और आपके जो एग्जामिनर है वो इंप्रेशन में आएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। थैंक यू दोस्तों, आज की थी हमारी वीडियो, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।